हेलो एवरीबडी वेलकम टू माई चैनल दिस इज़ प्रोफेसर इवनीत सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू डॉक्ट्राइन ऑफ कैी एंड इट्स एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है सो इससे पहले भी मैंने बिजनेस लॉ की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी तो आप चेक कर लीजिएगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कैविटेम्प्टर क्या होता है ओके इसका मतलब होता है लेट द बायर वेयर बायर जो है वो खुद पता करे ठीक है तो ये जो डॉक्ट्राइन है मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल से बताती हूँ ये जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एप्लीकेबल होता है ये डॉक्ट्राइन जैसे कि अगर आप मार्केट गए ठीक है तो अगर आप मार्केट में बैग खरीदने के लिए गए तो जब आप बैग खरीदते हो तो आप बैग की सारी ज़िप चेक करते हो खरीदने से पहले जैसे ही आपको पसंद आया आप फाइनल करते हो तो आप उसकी सारी ज़िप चेक करते हो कि जिप ठीक है कि नहीं अगर उसमें किसी में भी ज़िप खराब होती है तो आप क्या कहते हो सेलर को कि भैया इसका ना दूसरा पीस निकाल दीजिए ठीक है ना इसकी ज़िप ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो ये बायर की जिम्मेदारी है कि वो खुद चीज़ों को चेक करे कि कहीं उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है तो यही है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ कैटेम्प्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बिटवीन द बायर एंड द सेलर इट इज ड्यूटी ऑफ द बायर टू एग्जामिन द गुड्स टू हिस्ट सेटिस्फेक्शन कि ये डॉक्ट्राइन कहता है कि जब भी बायर कोई चीज खरीदने जाए ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो चीज को खरीदने से पहले उसे अच्छे से एग्जामिन करे चेक करे कि कहीं उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है ठीक है तो यहां पर सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है सेलर खुद नहीं बताता फिरेगा कि भाई मेरे प्रोडक्ट में ये डिफेक्ट है अगर वो ऐसे करता रहेगा तो फिर तो उसका कोई प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं तो यहां पर बायर की जिम्मेदारी बनती है कि जब भी वो कोई चीज़ खरीदे वो उसे अच्छे से चेक करे क्योंकि बाद में जो है वो सेलर उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है ओके तो डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटेम्प्टर कहता है लेट द बायर बीवे बायर जो है वो खुद पता करे कोई भी चीज खरीदने से पहले क्लियर लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ कैीटेम्प्टर जो है वो अप्लाई नहीं होता है मींस वहाँ पे बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है अब वो कौन सी ऐसी एक्सेप्शंस हैं ये हम एक एक करके जो है आगे डिस्कस करेंगे तो ये पांच एक्सेप्शंस हैं फर्स्ट इज वे आर द बायर रिलाइज ऑन द जजमेंट एंड स्किल ऑफ द सेलर इसका मतलब ये है कि जब बायर कुछ खरीदने गया उसने सेलर के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया मींस उसे नहीं पता कि उसे उसे यह पता है कि उसे कौन सी चीज खरीदनी है क्या खरीदना है लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसे कौन सी क्वालिटी का लेना है क्या लेना है मतलब वो जाके क्या करता है सेलर को बता देता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और मुझे इस पर्पज के लिए चाहिए मुझे इसे इस चीज में यूज करना है अब आप बता दीजिए कौन सा अच्छी क्वालिटी का रहेगा कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा मींस उसने सारा जो डिसीजन है वो सेलर के ऊपर छोड़ दिया तो सेलर जो है वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग क्योंकि वो उसी चीज में डील करता है वो उसे बेस्ट ऑप्शन देता है कि आप ऐसा करिए ये खरीद लीजिए तो यहां पर जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटेम्टर अप्लाई नहीं होता क्यों क्योंकि बायर ने सारा ही जजमेंट uh, जो भी है डिसीजन सेलर के ऊपर छोड़ दिया है तो यहाँ पे सेलर बाद में ये नहीं कह सकता कि बायर को खुद चेक करना चाहिए था अगर बाद में गड़बड़ निकली प्रोडक्ट में तो सेलर बाद में ये नहीं कह सकता कि बायर को खुद चेक करना चाहिए था मैंने तो दे दिया था तो ऐसा ये चीज यहाँ पे डॉक्टर अप्लाई नहीं होगा वेन द बायर मेक्स नोन हिज रिक्वायरमेंट मतलब बायर ने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी है कि मुझे ये चीज इस चीज मतलब ये जो गुड्स है मुझे इस पर्पज के लिए चाहिए कि वो गुड्स से क्या एक्सपेक्ट करता है और उसने उसे क्या यूज करना है ठीक है और वो रिलाइज होता है भरोसा और उसने बिल्कुल ही सेलर के ऊपर छोड़ दिया उसकी स्किल और उसकी जजमेंट पे कि आप बताइए कि मैं कौन सा लूं तो उस केस में डॉक्टर ऑफ कैीटेम्प्टर अप्लाई नहीं करता है अंडर सच सर्कमस्टांसिस इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स टू द बायर यहां पर सेलर की ड्यूटी बन जाती है कि वो बायर को अच्छी क्वालिटी के गुड्स दे टू मीट हिज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ठीक है अब इस, इसको मैं एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर करूँगी इस पर ना एक केस है बहुत इंपॉर्टेंट केस है बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वर्सेज आगा मोहम्मद का एक केस है यहाँ पर क्या था बी परचेज टिम्बर फ्रॉम सी बी जो है वो बायर है और सी सेलर है बी ने जाके सी से टिम्बर खरीदी अब वो टिम्बर जो थी अब उसे तो नहीं पता था कि टिम्बर भी बहुत क्वालिटी की आती है मुझे कौन सी खरीदनी है उसने जाके सीधा सेलर को बता दिया कि मुझे टिम्बर दो चाहिए उससे मुझे रेलवे स्लीपर्स बनाने हैं मतलब इस तरीके की ऐसी टिम्बर देना मुझे अब जो बी है उसने तो सी को सब बता दिया अब यहाँ पे सी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे ऐसी टिम्बर दे जो रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए बेस्ट हो तो इट वॉज हेल्ड दैट बी कुड रिजेक्ट द दिबर एज इट वॉज नॉट फिट फॉर द पर्पज अगर वो टिम्बर जो है अगर वो खरीद के ले गया सी के भरोसे पे सी ने बोला कि आप ये वाली टिम्बर ले जाओ ये बहुत बढ़िया है तो अगर वो टिम्बर सूटेबल नहीं हुई रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए तो वो टिम्बर को रिजेक्ट कर सकता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब वो कैंसल कर सकता है उस सेल को ठीक है तो यहां पर यह है कि उसने बी ने जो है वो सारा ही जजमेंट किसके ऊपर डाल दिया सी के ऊपर तो यहां पर कैविट कैविटेप्टर जो है वो हमारा अप्लाई नहीं होगा नेक्स्ट इज फिटनेस फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज इसका मतलब क्या है जब आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो आपके माइंड में यह होता है कि आप उस चीज को किस पर्पज के लिए क्या खरीद रहे हो कि मतलब उसका बेसिक यूज क्या है जैसे सपोज अगर आप कोई रेफ्रिजरेटर खरीदने जा रहे हो ठीक है तो उसका बेसिक पर्पज़ है कि वो चीज़ों को ठंडा रखता है अब वहाँ पे जाके आप बायर जो है वो ये तो नहीं चेक करता ना कि आप ऐसा करिए कि मैं एक बॉटल लेके आया हूँ पानी की इसे फ्रिज में रखो आधा घंटा रखो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये फ्रिज ठंडा करता है कि नहीं या फिर जब आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हो आप ऐसा तो नहीं कि घर से कपड़े लेके जाते हो कि मैं उसमें डाल के चेक करके धो के देखूंगा कि क्या ये वॉशिंग मशीन कपड़े धोती है कि नहीं वो एक बेसिक इंप्लाइड कंडीशन है जो होगी कि मतलब अगर आप वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हो तो वो अच्छे कपड़े वो कपड़े धोती होगी अगर आप रेफ्रिजरेटर खरीदने जा रहे हो तो वो चीज़ों को ठंडा रखता होगा तो मीन्स उसकी क्वालिटी और यूजिबिलिटी बिल्कुल मतलब उसके अकॉर्डिंग वो फिट होगी अगर उस केस में जो है वो हमारा बायर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है मींस उसको ये चीजें जाके चेक नहीं करनी होती है वहां पर सेलर ही जिम्मेदार होता है अगर आप कोई ऐसी चीज़ आप रेफ्रिजरेटर खरीद के ले आए और वो ठंडा नहीं कर रहा चीज़ों को तो वहां पर सेलर ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो बायर को आके देखना चाहिए था चेक करके लेके जाना चाहिए था नो वहां पर जो है वो सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा यहां पर डॉक्टर अप्लाई नहीं होता है द इम्प्लाइड कंडीशन अबाउट द फिटनेस ऑफ गुड्स फॉर ए पर्टिकुलर गुड्सिकलर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए एंड इन सम डिपेंड्स अपॉन द कस्टम और द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेड द डॉक्टर बायर बिवेयर इज नॉट एप्लीकेबल अब इस ये इसकी एग्जाम्पल देखो वेन अ पर्सन बायज अ वॉटर कूलर जब एक पर्सन जो है वो वॉटर कूलर खरीदने के लिए जाता है तो उसकी एक इंप्लाइड कंडीशन मानी आती है कि हाँ वो वाटर कूलर पानी ठंडा करता ही होगा अब यहाँ पर बायर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो चेक करे कि क्या वो वाटर कूलर पानी ठंडा करता है कि नहीं यहाँ पर कैवी टेम्पर नहीं होता है क्योंकि वो उसकी बेसिक चीज़ है वो तो उसमें होनी ही चाहिए तो वहाँ पे सेलर ही रिस्पॉन्सिबल रहता है अगर वो चीज़ वो, वो जो वाटर कूलर है अगर पानी ठंडा नहीं करता है ओके नेक्स्ट इज़ सेल बाय डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जब सेलर ने कोई चीज़ बायर को डिस्क्राइब करके बेची है मीन्स उसने चीज़ के बारे में बताया कि ये मेरा प्रोडक्ट है इसमें ये चीज़ है इसमें ये ऐसे करता है इसका ये यूज़ है ऐसे करके बताया मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन दे के उसने चीज़ को बेचा है तो अगर वो प्रोडक्ट uh, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं मैच खाता है मतलब मैच नहीं होता है तो उस केस में डॉक्टर ऑफ कैविटेम्पर अप्लाई नहीं होता है और जो बायर है वो चीज को वापस कर सकता है वेन द सेल ऑफ गुड्स इज मेड बाई डिस्क्रिप्शन इट इन्वॉल्व सम इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज एंड द कैट एम्प्टर यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है द गुड्स सोल्ड मच मस्ट मैच देअर डिस्क्रिप्शन मतलब जो गुड्स बेचे गए हैं वो डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करने चाहिए जो सेलर ने हमें बताई जो बातें हमें सेलर ने बताई गुड्स के रिगार्डिंग वही चीजें होनी चाहिए जब बायर उसे खरीदे अदरवाइज द बायर कैन रिफ्यूज़ रिफ्यूज़ होता है मना टू एक्सेप्ट द गुड्स अगर वो चीज़ें डिस्क्रिप्शन अगर वो प्रोडक्ट जो है वो सेलर की डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है तो बायर उसे मना भी कर सकता है उस गुड्स को कि मैं ये नहीं खरीदूंगा क्योंकि जो आपने बोला था वो तो इस प्रोडक्ट में है ही नहीं है एंड इज़ इन टाइटल टू रिसीव डेमेजेज फ्रॉम द सेलर अब इसका भी एक एग्जाम्पल है आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसमें भी हमारा केस है वॉर्ले वर्सेज वेप का अब आप लोग कहोगे मैम बहुत सारे केसेज हो जाते हैं बिजनेस लॉ में हमसे याद नहीं होते हैं देखो अगर आप केसेस याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर होंगे लेकिन जैसे अगर बहुत ज़्यादा केसेस हो गए आप एक आधा भूल भी गए तो क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एग्जाम्पल जरूर याद रह जाती है ठीक है अब इस केस में क्या हुआ था इन दिस केस ए प्रोमिस ने प्रोमिस करा कि वो बी को मशीन सेल करेगा विच बी हैज नॉट सीन अब बी ने वो मशीन नहीं देखी है अब ए उसके बारे में बी को बता रहा है डिस्क्राइब कर रहा है ए ने क्या कहा कि वो मशीन जो है वो एक ही साल पुरानी है एंड स्पार्सली यूज कम यूज हुई है वो ठीक है उसने बस ये बोला अब बी ने उसके भरोसे पे वो चीज़ जो है वो खरीद ली वो मशीन ख़रीद ली लेकिन जब बी ने ख़रीदी तो उसने देखा कि मशीन वॉज़ फाउंड नॉट टू मैच विद इट्स डिस्क्रिप्शन अब ए ने बोला था कि भाई मशीन तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम यूज़ हुई है ज़्यादा पुरानी नहीं है लेकिन जब उसकी डिलीवरी हुई तब बी को पता चला कि भाई ये तो मशीन बहुत पुरानी है एंड द बायर रिटर्न इट तो उसने उसे रिटर्न कर दिया क्यों क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं खाती थी ए ने बोला था कि भाई वो तो ज्यादा पुरानी नहीं है लेकिन मशीन असलियत में बहुत पुरानी निकली इट वॉज हेल्ड नॉट मैच इट्स ए हैड ए राइट टू रिसीव द प्राइज फॉर इट फ्रॉम बी ठीक है अब जो मशीन है वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मैच नहीं खा मैच नहीं करती है तो अब ए के पास पूरा पूरा हक है कि वो आ, मतलब जो बी है बी से वो यहां पर जो ए है ए ने प्रॉमिस प्रमिस ना तो ए से वो सारे पैसे जो है वो रिकवर कर सकता है बी सो इन दिस केस यहां पर भी कैटर हमारा अप्लाई नहीं होता है क्योंकि अगर डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग चीज मैच नहीं करती है तो वहां पर जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है वहां पर सैलर ये नहीं कह सकता था कि बायर को तो खुद चेक करनी चाहिए थी मैंने तो कह दिया था पर जरूरी थोड़ी है कि जो मैंने कहा वो सही हो तो बायर को देखना चाहिए तो यहाँ पर जो है वो कैविटेम्प्टर अप्लाई नहीं होता है सिर्फ बायर की प्रोटेक्शन के लिए नेक्स्ट इज सेल बाय फ्रॉड अगर आप किसी को कोई चीज़ बेचते हो फ्रॉड करके फ्रॉड का मतलब होता है जब आपकी इंटेंशन आपकी नियत ही है किसी को धोखा देने की ठीक है तो उस केस में भी डॉक्टराइन ऑफ कैविटेम्प्टर अप्लाई नहीं होता है द डॉक्टराइन ऑफ कैीटेम्प्टर शेल नॉट अप्लाई टू ऑल दोज परचेज विच हैव बीन मेड बाय द बायर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर बायर का जो कंसेंट है ठीक है वो कैसे लिया गया है फ्रॉड से लिया गया है वे आर द बायर रिलाइज ऑन द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेलर मीन्स सेलर ने झूठ बोल के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसको चीज बेच दी है और बाद में जो है बायर को उसके डैमेजेस हो गए हैं ए सेलर हु इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड जिस सेलर ने फ्रॉड से चीज बेची है शेल हैव नो प्रोटेक्शन वो बाद में ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने तो कुछ भी बोल दिया अब ये तो बायर की जिम्मेदारी है ना कि उसको चेक करना कि मैंने जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है अगर आपने कोई चीज फ्रॉड से धोखे से गलत बोल के किसी को बेची है तो वहां पर सेलर uh, इस चीज की प्रोटेक्शन नहीं ले सकता कि बायर को देखना चाहिए था तो यहां पर डॉक्टर ऑफ कैविटेम्टर जो है वो अप्लाई नहीं होता है और सेलर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा अगर कोई लॉस होता है बायर को क्लियर नेक्स्ट इज लेटेंट डिफेक्ट्स अब पहले लेटेंट डिफेक्ट्स पता होना चाहिए लेटेंट डिफेक्ट्स कौन से होते हैं देखो कुछ तो डिफेक्ट ऐसे होते हैं प्रोडक्ट के जो हम सामने से जब देखते हैं प्रोडक्ट को हमें पता लग जाता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है ठीक है तो वो जो होते हैं वो डिफेक्ट हमारे सामने से दिख जाते हैं वो अपेरेंट डिफेक्ट होते हैं हमारे अब कुछ डिफेक्ट ऐसे होते हैं जो हम जब चीज़ को यूज़ करेंगे उसके बाद ही हमें पता चलता है कि इसमें ये डिफेक्ट है वो मतलब अगर आप जाके सामने से देखोगे तब आपको नहीं दिखेंगे वो डिफेक्ट तो जो डिफेक्ट हमें उसी समय नहीं दिखते हैं बाद में जब हम यूज करते हैं उसके बाद पता चलता है कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट में ये डिफेक्ट है उसे हम लेटेंट डिफेक्ट्स बोलते हैं तो लेटेंट डिफेक्ट के, के केस में भी जो है वो कैविटेम्प्टर अप्लाई नहीं होता है द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बायर फॉर ऑल सच डिफेक्ट्स इन गुड्स विच आर नॉट अपरेंट अपरेंट होता है जो दिखते हैं दिखना अपरेंट होता है दिखना नॉट अपरेंट मतलब नहीं दिखते नॉट अपरेंट टू द पर्सन ऑफ नॉर्मल इंटेलिजेंस ठीक है जो नॉर्मल इंटेलिजेंस वाला पर्सन है उसको वो नहीं दिखेंगे लेटेंट डिफेक्ट्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बायर टू एग्जामिन द गुड्स फॉर एनी डिफेक्ट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट वेयर द डिफेक्ट आर अपरेंट एंड कैन बी स्पॉटेड बाय द बायर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की सिर्फ तभी होती है जब उसी डिफेक्ट के लिए मतलब जो डिफेक्ट दिखते हैं उसी के लिए बायर रिस्पॉन्सिबल होता है अब जो डिफेक्ट दिखते ही नहीं है स्पॉट ही नहीं किया जा सकते तो उस केस में बायर कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गया तो वहां पर भी जो है वो कैवीटेम्प्टर अप्लाई नहीं होता है जैसे मैंने आपको वो एग्जाम्पल दी कि एक पर्सन बैग खरीदने के लिए जैसे हम मार्केट जाते हैं तो हम उसकी जिप चेक करते हैं तो वो ऐसा डिफेक्ट है जो सामने से दिखता है अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मतलब फिर सेलर नहीं सेलर जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है सपोज अगर आप खराब जिप वाला बैग ले आए तो आप जब वापस उसे देने जाते हो बाय सेलर को तो वो ये भी कह सकता कहता है कि भाई आपने घर जाके खराब कर दी मेरा मेरी तरफ से तो जिप बिल्कुल ठीक थी ठीक है ना अब अब आप लोग कहोगे कि नहीं नहीं कई बार तो सेलर वापस भी कर देता है तो ये एक सेलर की अपनी वो है एथिक्स है कि वो वापस कर दे या फिर अगर वो आपको जानता है तो वो तब भी वापस कर देगा लेकिन नॉर्मली सेलर ये कह सकता है कि आपको देख के लेके जाना चाहिए था तो वो आपको कह सकता है कि आपने शायद घर जाके खराब करी है तो वो डिफेक्ट दिखते हैं लेकिन कुछ डिफेक्ट जो नहीं दिखते हैं उसके लिए बायर

देअर वॉज अ हिडन छुपा हुआ छुपा हुआ लेटन डिफेक्ट इन द क्लोथ कपड़े में कोई लेटन डिफेक्ट था छुपा हुआ जो कि सेलर uh, ने सप्लाई करा विच मेड इट अनयूजेबल फॉर द कोर्ट्स मतलब वो कपड़ा कुछ ऐसा था कि जिससे कोर्ट नहीं बन सकते थे कुछ ऐसा उसमें डिफेक्ट था ठीक है और वो डिफेक्ट ऐसा था कि जो दिखता नहीं था सामने से द कोर्ट हेल्ड दैट द सेलर गिल्टी बिकॉज इवन दो आफ्टर द थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल इट वॉज नॉट पॉसिबल टू पिन पॉइंट द डिफेक्ट इन द मटीरियल ठीक है तो उस कपड़े को देखने के बावजूद भी वो डिफेक्ट जो है वो नहीं दिखता था तो उस केस में जो है वो बायर जिम्मेदार नहीं है सेलर ही रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसमें लेटेंट डिफेक्ट था जो तो डिफेक्ट दिखते हैं उसमें कैविटेम्प्टर अप्लाई करता है लेकिन जो डिफेक्ट लेटेंट डिफेक्ट होते हैं जो सामने से आप देख के नहीं पता कर सकते कि इसमें यह प्रॉब्लम है तो उस केस में जो है वो सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है और वहां पर कैवी टेम्प्टर अप्लाई नहीं होता है ओके सो आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हाँ अब इसके बाद आप आपने अगर, अगर ये सारी वीडियो देख ली है तो आप ये टॉपिक कभी भूलोगे नहीं आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर सो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे आप आगे भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो थैंक यू